चीज है कि दुनिया ने उससे पहले कोई ऐसी चीज देखी नहीं है। जब वो उड़ते हैं, वो फ्लाइट लेते हैं, तो एक दुश्मन के ऊपर हैबत तारी हो जाती है, देखने वाले के ऊपर खौफ और कपकपी तारी हो जाती है। मुसलमानों के लिए वो बायसे फखर और अल्लाह की रहमत होते हैं, और कुफार के लिए वो लर्जा तारी करने वाली एक चीज होती है। और वो इस कदर ताकतवर और इस कदर लर्जा तारी करने वाली चीज होती है कि जब पाकिस्तान की जानिब से वो जहाज उड़ते हैं, तो भारत जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ले, जितनी मर्जी ताकतें अपने साथ मिला ले, भारत के पास, इंडिया के पास कोई एबिलिटी नहीं होती। हत्ता के पाकिस्तान के वो जंगी जहाज जाकर कश्मीर को फतह कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद। ये काफ़ी ज़्यादा क्या सराइयाँ हो रही हैं माशाल्लाह कि पाकिस्तान के पास पहले भी JF-17 तैयार करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, और इसके अलावा भी पाकिस्तान J-10C तैयारे चाइना से एक्वायर भी कर रहा है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि कहीं यही तो वो काले रंग के जंगी जहाज़ नहीं हैं जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला की रहमत से मिलेंगे और जिनके ज़रिए से पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद कराएगा और फिर उसके बाद गज़वा हिंद भी जीतेगा। तो असल में देखें, ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक, जिसको सो कॉल्ड दुनिया वाले थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं और जहाँ पे बिजली पानी पूरा नहीं होता, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकत अता फरमाई और JF-17 जैसा एक वर्ल्ड क्लास जहाज़ तैयार करने की तौफीक अता फरमाई। और अब जो ये जो J-10C तैयारें हैं, ये पाकिस्तान असल में तैयार नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान चाइना से ले रहा है। और ये जो इंडिया ने फ्रांस से राफेल तैयारे एक्वायर किए हैं, उसका एक फौरी जवाब है पाकिस्तान की तरफ से। और अल्लाह की एक ख़ास रहमत है कि इतने तवील अरसे से जो इंडिया एक राफेल तैयारों का एक पूरा एक कैंपेन चलाए हुए था और फिर एक्वायर करने के बाद एक बड़ा फ़खर और तकबर और गुरूर का मुजाहरा कर रहा था, अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी उसका तोड़ अता फरमा दिया कि वो इवन दुश्मन के जहन में भी नहीं था। जहाँ तक बात है कि क्या यही वो तैयारे होंगे जिनके ज़रिए से पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद कराएगा या नहीं, असल में ये जो तैयारे हैं, जितने भी तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन इस सब टेक्नोलॉजी की एक शॉर्ट कमिंग है कि जब एक चीज़ रिलीज़ होती है तो इतनी देर में दुनिया में कोई नई चीज़ आ चुकी होती है। आज से 4-5 साल के बाद ये तैयारें जो हैं वो पुराने हो चुके होंगे, और उसके बाद दुनिया में कोई इतनी एडवांस चीज़ आ चुकी होगी, कोई नया ब्लॉक आ चुका होगा, कोई नया वर्जन आ चुके होंगे कि ये काफ़ी पीछे रह जाएंगे, फिर नई चीज़ एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन जो अल्लाह ताला किसी कौम को नवाजता है और अपनी ख़ास रहमत का जो है वो हकदार ठहराता है, तो फिर अल्लाह की अता की हुई चीज़ के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज़ उसके सामने ठहर नहीं सकती। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि हर दौर में अल्लाह ताला ने उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल करेंसी है उसका तोड़ अता फरमाया है। इंटेलेक्चुअल करेंसी क्या है कि किसी भी दौर में जो जिसको आप इल्मी और साइंसी कह लें, इल्मी कह लें, और जिस तरह की भी एक एक नज़रियाती चीज़ कह लें, जो मोस्ट एडवांस्ड उस दौर में एक मानी हुई चीज़ होती है, अल्लाह ताला जब अपनी जानिब से कोई चीज़ भेजता है तो सबसे पहले उसका तोड़ अता फरमाता है। मिसाल के तौर पे फिरौन के दौर में जादू टोने का बहुत ज़ोर था, और हत्ता के इस कदर ज़ोर था कि फिरौन को उसके काहिनों ने ये तक बता दिया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा और वो बनी इसराइल में से होगा कि जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। ये बात उन्होंने, काहिनों ने उसे सही सही बता दी थी, और बाद में वैसा ही हुआ भी, और उसका तोड़ करने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये बात पूरी करवा दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो उनके असा को ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो अपना असा ज़मीन पर रखते थे तो वो सांप बन जाता था, और वो मौजज़ा ऐसा था कि उस दौर के
कुछ 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 लेजेंड्स के मुताबिक 70,000 के करीब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था। उन्होंने सब ने अपनी अपनी रस्सियाँ फेंकी और अपने डंडे छोटियाँ जो भी चीज़ें फेंकी और वो सांप बन गई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता फरमाया था वो उन सबको खा गया और वो सारे के सारे जादूगर जो माने हुए थे, बड़े एक्सपीरियंस थे और जिन्होंने इस कदर एडवांस चीज़ जो है ना वो फिरौन को बता दी थी, तो वो सब के सब जो हैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। और फिरौन ने उन्हें डराया भी, धमकाया भी कि मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा, तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, लेकिन वो नहीं माने और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता किया वो कोई आम चीज़ नहीं है। उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल करेंसी थी अल्लाह ताला ने उसका उसके उससे सुपीरियर चीज़ अता फरमाई कि जो उस दौर के मोस्ट एडवांस्ड और माने और मंझे हुए लोग थे वो भी फौरन समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई चीज़ है, कोई और चीज़ नहीं है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। मुख्तसरन अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद खातमिन नबीयीन की बात करें तो आपके दौर में क्या था कि अरबी ज़ुबानदानी जो है वो एक बहुत ही मानी और समझी हुई चीज़ जाती थी और जो अरबी शुअरा थे वो अपनी फसाहत और बलागत के ऊपर फ़ख्र करते थे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीम मौजज़ा उस दौर में अता फरमाया कि उस दौर के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल करेंसी थी उसका बिल्कुल उसके सामने कोई जवाब नहीं रहा। हत्ता के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह कौसर उतरी, सूरह कौसर नाजिल की गई, तो होता ये था कि काबा की दीवार के ऊपर उस दौर का जो सबसे बड़ा शायर होता था और सबसे बेहतरीन उस दौर की शायरी होती थी वो लगा दी जाती थी, हत्ता कि उसका तोड़ ना आ जाए। तो जब खाना काबा की दीवार के ऊपर ये आयात लगाई गई कि बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, तो कोई अरब का शायर, कोई बड़ा से बड़ा लिखारी और कोई बड़े से बड़ा फसात व बलागत का माहिर उसके मुकाबले में अशार नहीं ला सका। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि अगर सारे के सारे जिन्नों इंस भी मिल जाएं तो एक आयत भी ऐसे नहीं बना सकते जो अल्लाह ताला ने कुरान में उतारी है। तो आखिर बहुत अरसे के बाद एक लेजेंड के मुताबिक कोई बड़ा शायर वहाँ से गुजरा तो उसने उसके नीचे लिख दिया कि मा हाज़ा क़ौलुल बशर, वो तीन आयात थी उसने चौथी डाल दी नीचे, चौथी अपना मिसरा डाल दिया, आयत तो नहीं डाली। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो आयत बनाई है उसका मुकाबला तो कोई इंसान नहीं कर सकता, तो उसने नीचे बंद बनाने की कोशिश की कि मा हाज़ा क़ौलुल बशर, कि ये जो आयात अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो उसने बाद मुकम्मल कर दी कि इन्ना अतैना कल कौसर फसल लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर मा हाज़ा क़ौलुल बशर, उस अपनी तरफ से उसने शेर बनाने की कोशिश की। ज़ाहिर है कि कुरान की वो तीन आयात मुसल्लम हैं और मुकम्मल हैं, उसके अंदर किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि उस शायर ने इस चीज़ को एडमिट किया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो उस दौर के इंटेलेक्चुअल करेंसी को अल्लाह ताला ने जो चीज़ अता फरमाई उसके सामने उस दौर की इंटेलेक्चुअल करेंसी कुछ भी नहीं रही। इसी तरह आज के दौर में देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांसमेंट है, दुनिया साइंस के ऊपर फ़ख्र करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फ़ख्र करती है, और चाहे वो राफेल तैयारे हों, F-16 हों, J-10C हों, JF-17 हों या स्टेल्थ फाइटर्स हों, कोई भी चीज़ हो वो अल्लाह ताला की उतारी हुई चीज़, अल्लाह ताला की भेजी हुई चीज़ के सामने कुछ भी नहीं होंगे। तो जब अल्लाह ताला कोई चीज़ भेजता है, अल्लाह ताला कोई चीज़ नाजिल फरमाता है, कोई मौजज़ा दिखाता है इंसानों को, तो वो इंसानों की बनाई हुई किसी भी चीज़ के मुकाबले में इंसान अल्लाह ताला की भेजी हुई चीज़ के सामने इंसानों की कोई भी चीज़ वक़्त नहीं रखती। तो यही मामला आज के दौर की टेक्नोलॉजी का है कि जब अल्लाह ताला इस ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए इमाम मेहदी की फ़ौजों को अपनी जानिब से ख़ास टेक्नोलॉजी अता फरमाएगा, ख़ास किस्म के जंगी जहाज़ अता फरमाएगा, तो इंसानों की बनाई हुई कोई भी चीज़ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं रहेगी। बेशक इमाम मेहदी कोई नबी नहीं होंगे, कोई रसूल नहीं होंगे, लेकिन इमाम मेहदी वो हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर एक निज़ाम कायम करना है, दुनिया के ऊपर
अल्लाह के बंदों की खिलाफत कायम करनी है। और हदीस शरीफ के अल्फाज में खलीफतुल्लाहुल महदी आता है कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे वो ज़मीन के ऊपर अल्लाह के खलीफा होंगे, अल्लाह के बनाए हुए नायब होंगे, अल्लाह के बनाए हुए बादशाह होंगे, अल्लाह के बनाए हुए एक हुक्मरान होंगे, जिनके सामने ना दुनिया के हुक्मरान कोई चीज़ होंगे, ना जिनके सामने दुनिया की टेक्नोलॉजी कोई चीज़ होगी। और जब अल्लाह की तरफ से अता किए गए वो 3000 के करीब काले जंगी जहाज़ इमाम महदी की फ़ौज में शामिल होंगे, तो जिन लोगों को अल्लाह ने वो दिखाए हैं वो बताते हैं कि वो ऐसी चीज़ है कि दुनिया ने उससे पहले कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है। जब वो उड़ते हैं, वो फ्लाइट लेते हैं, तो एक दुश्मन के ऊपर हैबत तारी हो जाती है, देखने वाले के ऊपर खौफ और कपकपी तारी हो जाती है। मुसलमानों के लिए वो बायसे फ़ख्र और अल्लाह की रहमत होते हैं, और कुफार के लिए वो लर्जा तारी करने वाली एक चीज़ होती है। और वो इस कदर ताकतवर और इस कदर लर्जा तारी करने वाली चीज़ होती है कि जब पाकिस्तान की जानिब से वो जहाज़ उड़ते हैं, तो भारत जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ले, जितनी मर्जी ताकतें अपने साथ मिला ले, भारत के पास, इंडिया के पास कोई एबिलिटी नहीं होती। हत्ता के पाकिस्तान के वो जंगी जहाज़ जाकर कश्मीर को फतह कर लेते हैं और भारत की जानिब से कोई रिटेलिएशन नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ताकत ऐसी अता फरमाई है, रोब ऐसा अता फरमाया, दबदबा ऐसा अता फरमाया कि उसके सामने दुश्मन टिकना तो क्या, दुश्मन उसके सामने बिल्कुल कोई रिटेलिएशन और किसी चीज़ का सोच भी नहीं सकता। और बगैर, ऑलमोस्ट बगैर जंग के पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कर लेता है। तो इंशाल्लाह ये वक्त हम अपनी आंखों से देखेंगे। तो जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला काले रंग के जंगी जहाज़ अता फरमाएगा अपनी रहमत से, मेरी समझ के मुताबिक तो वो अल्लाह ताला ने पहले किसी दौर में तैयार करवा के रखे हुए होंगे, और पाकिस्तान को जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला इमाम महदी अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह जो भी सच्चे इमाम महदी होंगे अल्लाह ताला उनकी समझ अता फरमाएगा, उनकी पहचान अता फरमाएगा, और फिर उनके ज़रिए अल्लाह ताला ये अजीम टेक्नोलॉजी सिर्फ डिस्कवर करवाएगा, वो पाकिस्तान को बनानी नहीं पड़ेगी। वल्लाहु आलम।